चैप्टर के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर हमारा 4 रहेगा, भारतीय सौंदर्य दर्शन। ठीक है भाई, सौंदर्य की भारतीय अवधारणा क्या है? सौंदर्य मतलब समझते हो, सुंदरता, ब्यूटी। ठीक है, और उसकी भारतीय अवधारणा क्या है सौंदर्य शास्त्र की? और पाश्चात्य ने भैया विदेशी लोग जो हैं वो सौंदर्य के बारे में क्या उनके विचार हैं, और जो भारतीय दर्शन है वो सौंदर्य के बारे में क्या कहता है, सौंदर्य के बारे में भारतीय परंपरा में क्या बोला गया है, और पाश्चात्य यानी विदेशी यानी यूरोप के लोगों ने सौंदर्य के बारे में क्या कहा। एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, आपके चौथे चैप्टर से, सौंदर्य दर्शन की भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा क्या है। ठीक है, या सौंदर्य का भारतीय और पाश्चात्य दर्शन क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, चलिएगा यहां से देखिए क्या है, सौंदर्य शास्त्र की भारतीय और पाश्चात अवधारणा। देखिएगा, प्रकृति सर्वत्र सौंदर्य है भैया, कह रहे हैं कि सौंदर्य मतलब सुंदर, भैया प्रकृति जो है सबसे सुंदर है। हमारे यहाँ तो भाई बोला जाता कि सबसे सुंदर क्या है, प्रकृति है, नेचर है। आपने सुना होगा ना कि भाई जो प्रकृति है वह सबसे सुंदर है, जैसे झील है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, ये क्या है, सबसे सुंदर है प्रकृति, सर्वत्र यानी सबसे सुंदर है। सौंदर्य शास्त्र संवेगात्मक, भावनात्मक, गुणात्मक गुणधर्मों और मूल्यों का अध्ययन करता, यानी सौंदर्य शास्त्र में हम संवेदना को पढ़ते हैं, भावनाओं को पढ़ते हैं और गुणों का अध्ययन करते हैं। कला संस्कृति प्रकृति के प्रति अंकन ही सौंदर्य। भैया जैसे कला होती है ना, जैसे गायन कला है, लेखन कला है, डांस कला है, ये क्या था, इसमें भी सुंदरता होती है। और हमारी जो संस्कृति है यानी जो हमारा कल्चर होता है, खान पान है, पहनावा है, और जो प्रकृति होती है, यही सौंदर्य शास्त्र है, इसी में ही सुंदरता है। यानी अलग अलग जो कलाएं हैं, ठीक है, जैसे गाना गाने की कला है, ठीक है, या डांस करने की कला है, या कोई मूर्ति बनाने की कला है, चित्र बनाने की कला है, जो हमारी संस्कृति है और प्रकृति है, यही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है। ठीक है, आनंद मीमांसा भी कहते हैं इसी को, यानी सौंदर्य क्या है, लोगों को भैया आनंद देता, खुशी देता, सुंदर, सुंदरता ना। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियां रचनाएं को अव्यक्त होने का सौंदर्य तात्विक और दार्शनिक मार्ग भी बेचना, यानी सौंदर्य शास्त्र वह होता है जिसमें हम अपनी कलाओं का क्या करते हैं ना, विवेचना करते हैं। भैया सौंदर्य क्या है, जैसे मूर्ति में भाई सुंदरता होती, मूर्ति कला में, चित्रकला में, संगीत कला में, गायन कला में, नृत्य कला में, इनमें क्या है, सुंदरता होती ना, किसी भी सुंदर वस्तु को देख करके हमारे मन में आनंद आता। जैसे भाई तुम अगर किसी सुंदर चीज को देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यही तो सुंदरता है। ऐसे जीवन में होने वाली अनुभूतियों के साथ उनका समन्वय स्थापित करना ही सौंदर्य शास्त्र है। यानी अगर किसी चीज को देख करके हमारे मन में खुशी होती है और हमारे जीवन को में वो कुछ बड़ा बदलाव करती है, और उस सुंदरता के साथ हम कोई समन्वय स्थापित करते हैं, मेलजोल करते हैं, भाई मेरे यही सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र क्या है, किसी सुंदर वस्तु को देख करके हमारे मन में जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, और जो हमारे जीवन में होने वाली जो अन्य चीजें हैं उनके साथ समन्वय होता है, वही क्या है, सुंदरता है। सौंदर्य बोध के महत्व को समझाने की प्रेरणा जिस भी मनुष्य में आ गई है वह व्यक्ति देखो सौंदर्य को भैया जिसने समझ लिया है, सुंदरता को जिसने समझ लिया वो क्या, सौंदर्य बोधी है, जानता है। सौंदर्य आचरण पर भी निर्भर, देखो किसी किसी का भैया करेक्टर इतना अच्छा है, आचरण इतना अच्छा है, फलाने का व्यवहार बहुत अच्छा, भैया बहुत सुंदर है, कई कुछ लोग अपने व्यवहार से, बोली से, भाषा से, चाल चलन से भी उनमें सुंदरता होती ना, सुंदरता बोलते। केवल बाह्य सौंदर्य नहीं होता भैया, बाहरी सुंदर नहीं, शरीर का सुंदर होना सुंदर नहीं है, बल्कि आपके जो गुण हैं उनका सुंदर, यानी आपके काम सुंदर है, आपका व्यवहार है, और आप व्यक्ति के रूप में कैसे हैं, इसको हम सुंदरता के रूप में कह रहे हैं। शारीरिक सुंदरता यानी बाह्य सौंदर्य जो है, शारीरिक बनावट वो तो सुंदर तो होता है, लेकिन आपके जो व्यवहार हैं, आपका जो काम है, और आपका जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपकी जो सोच समझ, आपके जो संस्कार है, उनको भी भैया सुंदर कहा जा रहा है। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियों की रचनाओं का आदि से अव्यक्ति होने वाला, इसमें निहित रहने वाले सौंदर्य के तात्विक और मार्मिक। देखो सौंदर्य शास्त्र वह होता है जिसमें हम अलग अलग कलाओं को देखते हैं, जैसे गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, वार इन क्या,
और इनका मार्मिक विवेचना की जाती है। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य का अनुभव करता है भैया, जो तुमको तुम्हारी आंखों को अच्छा लगे, तुम्हारे कानों को अच्छा लगे, वही तो भैया सुंदर है ना, जिसे देखने में, पढ़ने में, यानी जिसे देखने में, सुनने में, पढ़ने में, अनुभव करने में जो सुंदर लगता है वही सौंदर्य है, वही सुंदर है ना भैया। जिस चीज को तुम देखते हो तुमको सुंदर लगती है, तुम कोई गाना सुनते हो तुमको गाना सुंदर लगता है, तुम कोई कविता पढ़ते हो तुमको कविता अच्छी लगती है, तुमने किसी चीज का एक्सपीरियंस किया यानी अनुभव किया है वो चीज तुमको सुंदर लगती है, तो क्या है, यही सौंदर्य है। क्या है, यही सौंदर्य है। सौंदर्य स्वयं सुधा है और हर क्षण परिवर्तन। देखो भैया जो सौंदर्य होता है ना हमेशा बदलता रहता, सुंदरता हमेशा कभी भी टिकी नहीं है, इसीलिए तो भैया हमारे यहाँ पर बोला गया कि सत्य ही सुंदर है। क्या बोला गया, शिव और सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव और सत्य सुंदर हैं, बल्कि जो सौंदर्य होता है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे आदमी की हम लोग बोलते हैं फलाने बहुत सुंदर हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, हम लोग उनको सुंदर कहते हैं ना, तो क्या है, लेकिन ये चीज हमेशा बदलती रहती है। मनुष्य इस जगत के कण कण में सौंदर्य का मनोहारी छवि को स्मृति से न, देखो आज हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, ठीक है, वो सौंदर्य है। देखो अगर आप देखो बाहर निकलोगे तुमको जो भी चीज दिख रही है सब चीज आपको सुंदर दिख रही है ना, ठीक है, आपको हर चीज सुंदर दिखती है ना, क्या है, जो बाहर निकले आपने कुछ भी देखा आपको हर चीज सुंदर दिख रही है, ठीक है। तो जैसे आपने घर से बाहर गए तो भाई आपको प्रकृति है, आपको झील, नदी, पहाड़, झरना, तालाब सब सुंदर दिख रहा ना, तो हम लोग उसी सुंदर को देखते रहते हैं। अतः सौंदर्य हृदय के भाव है, यानी देखो भाई जो चीज आपको अपने मन से हृदय से सुंदर लगती वही सौंदर्य का भाव है। पूर्ण सौंदर्य दर्शन के लिए अनुभूति का है, यानी जो आप लोग अनुभव करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो लोग अनुभव करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उस सौंदर्य की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो वस्तु और भाव के संयोग से, यानी अगर हमारे मन में किसी चीज के प्रति भावना है, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति अगर आपके मन में भावना है तो क्या है, वो भाई आपको चीज सुंदर लगेगी ना। किसी भी सौंदर्य अनुभूति का करना अनुभूति नहीं बल्कि केवल आंशिक अनुभूति है, यानी कोई भी चीज अगर आपको सुंदर लगती है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज सुंदर लगती है तो आप आपको उसकी अनुभूति होगी, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र पर विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार दिए भैया, सौंदर्य को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, ठीक है, अगर आप देखें सौंदर्य जो है, जो सुंदरता है उस पर भैया विदेशी लोगों ने, भारतीय लोगों ने, सभी लोगों ने अपने विचार दिए, अपने मत दिए। यद्यपि भारतीय काव्य सौंदर्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित कोई विषय, देखो आप देखो जो कविता है, जो कहानी है, इन भी चीजों को हम लोग क्या, हम जो कविता है, जो कहानी है, वो भी हम लोगों को क्या सुंदर लगती है ना। जैसे आप भाई किसी को देखोगे वो भी आपको सुंदर लगेगा, ठीक है, आपने कोई वस्तु देखी, आपने कोई घर देखा, आपने कोई मकान देखा, आपने कोई पक्षी देखा, आपने बस ट्रेन, यानी प्रकृति भी सुंदर है, जो कविता है, कहानी, ये भी सुंदर, यानी सौंदर्य बहुत चीजों पर बिखरा हुआ है। लेकिन भैया विदेशी लोग सुंदरता को अलग, सौंदर्य को अलग बताते हैं, और भारतीय परंपरा में जो सौंदर्य है वो अलग है। तो सौंदर्य भैया दो प्रकार का है, एक भारतीय अवधारणा में सुंदरता है, भाई भारत में सौंदर्य क्या है, और पाश्चात्य सौंदर्य क्या है। तो भाई सौंदर्य की भारतीय अवधारणा क्या है, यानी भारत में सौंदर्य किसको बोला गया है, भारत में सुंदर किसको बोला गया है। देखो भारतीय काव्य शास्त्रीय पद्धति में सौंदर्य सिद्धांत नामक किसी विषय की प्रतिष्ठा नहीं है, अब तो सौंदर्य की मूल तत्व सभी विविध पक्षों, अंगों, स्वरूपों आदि का अत्यंत महान प्राचीन काव्य शास्त्रों का उल्लेख, यानी हम लोगों को भैया भारत में हमारे जो ग्रंथ हैं वहां से सौंदर्य यानी सुंदरता के बारे में हम लोगों को पता चलता है। भारतीय जो काव्य हैं, यानी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनसे हमें हम लोगों को सुंदरता के बारे में या सौंदर्य के बारे में पता चलता है। वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, ये जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उन लिटरेचर से, किताबों से हम लोगों को सौंदर्य या सुंदरता के बारे में पता चलता है। भारतीय काव्य शास्त्र में सौंदर्य शास्त्र अग्रदूत है भैया, भारतीय परंपरा में सुंदरता यानी सौंदर्य को सबसे बढ़िया बताया गया, क्या भैया भारत में काव्य
काव्य सौंदर्य को, कविता करने का जो सुंदरता, कविता है, कहानी है, इनको कह सकते हैं सबसे बढ़िया सुंदर बताया गया है। और भारत में तो बस सबको पता भैया, हमारे यहाँ तो सत्य ही सुंदर है और शिव ही सुंदर है। भैया भगवान जो है, भगवान शंकर सबसे सुंदर है और सत्य सुंदर है। हमारी भारतीय लोक परंपरा में तो यही है। भारतीय काव्य शास्त्र में जैसे रस है, ध्वनि है, रीत है, अलंकार है, इनका इनको हम लोग सौंदर्य बोलते हैं ना। जैसे कोई कविता कहानी लिखी जाती है, उसमें लोकोक्ति है, छंद है, मुहावरे हैं, अलंकार हैं, उनको हम लोग सौंदर्य कह रहे हैं, उनको हम लोग क्या करें, सुंदर कह रहे हैं, उसको हम लोग सौंदर्य या सुंदरता के रूप में स्थापित करें। क्योंकि काव्य शास्त्र का संबंध मूलतः काव्य के विभिन्न तत्वों से होता है। जैसे कविता होती है ना, जैसे खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, रामधारी सिंह दिनकर हो, मैथिली शरण गुप्त हो, या बालकृष्ण नवीन शर्मा हो, यानी हमारे देश में जो कविताएं लिखी गई हैं, हमारे देश में तुम देखोगे जो कविता लिखी गई उसको भी गाया गया है, गायन कला में मीराबाई के भजन है। तो क्या है, ये सारे जो काव्य के रूप में है, इनको ही हमारे यहाँ पर क्या बोला गया भैया, सुंदर बोला गया है। भारतीय परंपरा में काव्य को, कविताओं को, कहानियों को ही सुंदर कहा गया है। जो हम लोग कविता कहानी करते हैं, श्रृंगार रस की कविताएं हैं, प्रेम रस की कविताएं हैं, हास्य व्यंग्य की कविताएं हैं, इनको ही काव्य को, काव्य शास्त्र को, नहीं, जो कविता कहानी निगम निबंध है, इनको ही क्या सुंदर कहा जा रहा है। यही क्या है, सबसे सुंदर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे भारत में, कह सकते हो भैया हमारे यहाँ पर शिव को, यानी हमारे यहाँ भगवान को भी सुंदर कहा गया है। तुम सबने सुना होगा ना, शिव ही सुंदर है भारतीय परंपरा में, तो भगवान शिव, भगवान शंकर ही सबसे सुंदर है। दूसरा आप लोग कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर बोला जाता है सत्य ही सुंदर है। भैया जो सत्य है उसको भी हम लोग क्या सुंदर कहते हैं ना, भैया सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सबने इस बात को सुना होगा ना कि भैया सत्य ही सुंदर है और शिव ही सुंदर है ना, तो सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, हमारे यहाँ पर जगन्नाथ, आनंद वर्धन, राजशेखर, इन सब ने कहा कि रमणीता, यानी जब हम लोग घूमते फिरते हैं और जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं, वह भी हम उसको सुंदरता के रूप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी चीज को देखने के बाद, किसी भी चीज को देखने के बाद अगर आपके मन को अच्छा लगता है, अगर आपके मन को बढ़िया लगता है, तो भाई मेरे यही सुंदर है। क्या है, यही सुंदर है। यानी जो चीजें हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या हम किसी चीज को महसूस करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, जो हमारे 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 आन हम लोगों को आनंद देता है, वही क्या है, वही भारतीय परंपरा में या वही लोक परंपरा में क्या है, सुंदर कहा गया है। जो चीजें हमको अच्छी लगती भारतीय लोक परंपरा में। अब सौंदर्य शास्त्र की भारतीय पुरातन क्या है, देखो तो वैदिक काल से लेकर के आज तक सौंदर्य की विवेचना होती है। भैया वैदिक काल से लेकर के आज तक अगर आप देखोगे तो भारत में सुंदरता को लेकर के अलग अलग विचार हैं। सौंदर्य के सही स्वरूप तक पहुंचने के लिए अलग अलग बातें की जाती। भैया हर व्यक्ति ने भारत में सुंदरता सौंदर्य को अलग अलग बताया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो समय संसार एकमात्र सत्य। भैया भारत में कहा जाता है कि जो संसार है वही सत्य है। अगर आप देखो भारत में कुछ लोग कहते हैं भैया जो जो संसार है वही सत्य है, ठीक है, और सत्य ही सुंदर है। तो यानी हमारे यहाँ पर संसार को ही एकमात्र सत्य बोला गया है, जो हमेशा गतिमान होता। भैया संसार तो हमेशा चलता रहता ना, कभी रुकता नहीं ना। समय की इस गतिशीलता का परिवेश भी बदलता रहता है, मनुष्य में बदलाव आता है, उसकी सुंदरता के दृष्टिकोण में बदलाव आता है, लेकिन जो संसार है वह हमेशा गतिशील है, ठीक है, वह बदलता रहता है। यानी संसार भैया सबसे सुंदर है, ठीक है। वैदिक काल में कह सकते हो कि मनुष्यों की सुंदरता के विषय में चेतना, रामायण काल में मनुष्य में सुंदरता है। देखो तो वैदिक काल में कहते थे आदमी की जो चेतना है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको सुंदर कहा जाता था। रामायण के समय में भगवान राम को सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है। किसको, भगवान राम को। रामायण कालीन जो समाज है वहां पर समाज को, राजनीति को, इससे हमारा समाज जुड़ता। यानी अलग अलग समय पर देखोगे तो समाज में सुंदरता को लेकर के अलग अलग प्रतिमान है। कभी किसी चीज को सुंदर कहा गया है और कभी किसी चीज को सुंदर कहा गया है। यानी सुंदरता को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के अलग अलग जो मापदंड हैं, उन सारे मापदंडों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है,
यह प्रयोग किया जाता है। यानी सुंदरता को लेकर के अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग चीजें हैं। लोगों के सामने सत्य, नैतिक अनैतिक आदि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। भैया क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको लेकर के हर आदमी के मन में समस्या आती है। इन समस्याओं से टकराते हुए मनुष्य हार जाता है। इस समय मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। और यानी अगर रामायण काल में देखोगे तो भगवान राम को ही सबसे ज्यादा सुंदर बताया गया है, क्योंकि वही सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भैया वेद के समय आत्मा को, परमात्मा को सुंदर बताया गया, और रामायण काल में कह सकते हो किसको सुंदर बताया गया है, भगवान राम को सुंदर बताया। किसको सुंदर बताया गया है कि जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम है, उनको कह सकते हो कि सबसे ज्यादा क्या बताया गया है, सुंदर बताया गया है। भगवान राम ही क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है। रामायण काल में श्री राम के चरित्र को या उनके जीवन के चरित्र को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है। अगर आप महाभारत काल की हम लोग, महाभारत के समय कह सकते हैं कर्म को और संघर्ष को बताया गया। भैया महाभारत में तुम समय सुना भाई, कर्म ही कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत के समय कह सकते कर्म को और संघर्ष को ही कह सकते क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है। यानी कर्म ही क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है। यानी हमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म ही। महाभारत में जैसे भाई भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, बोला भाई कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो बोला था ना, तो कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये यही बताता है कि व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। और महाभारत के समय में कर्म को ही सबसे ज्यादा सुंदर कहा गया है, और संघर्ष को। यानी आदमी के मन में लालच, भूख, यानी लालच नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है। यानी आदमी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करे, ये नहीं है। और महाभारत के समय कर्म को ही भगवान श्री कृष्ण ने, तो भैया मेरे गीता में उपदेश देकर के इस बात को रेखांकित किया है, इस बात को कहा है कि भाई कर्म ही सबसे सुंदर है, संघर्ष ही सबसे ज्यादा सुंदर है। संसार में तो दुख तो हर जगह छाया हुआ है, लेकिन कर्म ही सबसे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही सबसे सुंदर है, वही व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या देते हैं, आनंद देते हैं। उसी से ही क्या होती है, उनको आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, पाश्चात पुरातन में यानी हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, यानी जैसे इंद्रियां, पता क्या, पांच हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, गला, जीभ, त्वचा। इन इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वह भी सुंदर है, और हमारी बुद्धि बोध को भी सुंदर बताया गया है। यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, उसको भी सुंदर, या उसको भी कह सकते कि सौंदर कहा गया। पाश्चात पुरातन में देखेगा, पाश्चात प्राचीन ग्रीस में सौंदर्य का समान एक केंद्रीय प्रश्न है, लेकिन आवश्यक रूप से कला के सवाल से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न है कि प्लेटो ने नैतिकता और राजनीति को अछूता है, छूता है। यानी अगर आप देखो, कुछ लोगों ने नैतिकता को सुंदर कहा है कि भाई नैतिकता जो है सबसे ज्यादा सुंदर है। सौंदर्य के विषय में कांट ने कहा है, खुशी की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की यह स्वीकार करता है कि एक ऐसी भावना केवल व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो सकती है, जबकि यही भावना दूसरे के लिए खुशी। व्यक्ति के लिए जो भावना है वह सबसे ज्यादा सुंदर है। कोई कहता भैया भावना सबसे ज्यादा सुंदर है, कोई कहता है कि नैतिकता सबसे ज्यादा सुंदर है। हीगल, हीगल एक ऐसा दार्शनिक विदेशी आदमी था जिसने सौंदर्य को कला के रूप में कहा है कि भैया कला ही सबसे ज्यादा सुंदर है, कला के उद्देश्य को सत्य में। यानी हीगल कला को सुंदर कहता है। अगर कांट कह सकते खुशी को सबसे ज्यादा सुंदर कहता है। जो प्लेटो है वो कहते हैं कि भाई मेरे की जो नैतिकता है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। विदेशी लोग जो हैं, प्लेटो कहता था कि भैया अरस्तु को सौंदर्य के आध्यात्मिक, यानी किसी को कहना कि अध्यात्म जो है वह सबसे ज्यादा सुंदर है। सुकरात जो है वो कहते थे अध्यात्म जो है वह सबसे ज्यादा सुंदर है। अध्यात्म ही व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है, और जो चीजें हम लोगों को ईश्वर को निकट ले जाती हैं, भगवान के निकट ले जाती हैं, वही चीजें जो हैं सबसे सुंदर हैं, सबसे अच्छी हैं और सबसे बढ़िया है। जो चीजें हमको भाई ईश्वर के, भगवान के निकट ले जा रहे, वही सबसे सुंदर है। प्लेटो और अरस्तु इसका विरोध करते हुए कहा, यदि कोई वस्तु सुंदर है इसलिए नहीं कि वह सौंदर्य का अंश है, अब तो यह इसलिए कि वह खुद सुंदर है।
ये प्लोटो अरस्तु कहते हैं, अगर कोई चीज वस्तु है नहीं कि वो सुंदर है, बल्कि उसमें जो चीज है वो खुद सुंदर है। यानी अगर यानी खुद की सुंदरता को कहा गया। अरस्तु का सौंदर्य चिंतन केवल कला और साहित्य तक। अरस्तु कहता कि जो कला है, जैसे संगीत कला है, लेखन कला है, गायन कला है, उसको सुंदर कहता है, और जो साहित्य है, जो कविता कहानियां है, इसको सुंदर कहता है। यानी सुंदरता को लेकर के भारतीय जो लोग हैं भैया, भगवान शंकर को, सत्य को, या अलग अलग प्रकार से सुंदर कहते हैं, उसी प्रकार से जो विदेशी लोग हैं, बाहर के यूरोप के जो लोग हैं, पाश्चात्य जो लोग हैं, उन्होंने भी सुंदरता पर अपने विचार दिए हैं। तो सभी लोगों का सुंदरता को लेकर के क्या है, अलग अलग विचार है कि सौंदर्य क्या है। तो सभी का अलग अलग विचार है। चौथा चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सौंदर्य दर्शन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अपना पांचवा चैप्टर भी चलिए हम लोग कर लेते हैं। और पांचवा चैप्टर जितना होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस क्लास में हम लोग कम से कम 6-7 चैप्टर जरूर कर लेंगे, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर होंगे मैं आपको अगली क्लास में भी जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो रहेगा हम लोग उसको देख लेते हैं।